हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बेटा, वेलकम टू द चैनल। आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं प्लांट किंगडम का, एंड दैट इज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इससे पहले हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ आप लोगों को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, आप प्रीवियस वीडियोज में यू कैन सर्च इट बाय नॉर्मल लाइफ साइकिल्स एंड टर्मिनोलॉजी। तो हमने वहां से शुरू किया था, फिर हमने एल्गी पढ़ा, फिर हमने ब्रायो को डिटेल में किया, फिर जिम्नो एंड टेरिडो जिम्नो, एंड नाउ वी आर फाइनल एंजियोस्पर्म्स, द फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। अब एंजियोस्पर्म जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंड हुएवर इज न्यू टू द चैनल, वेलकम सो मच, वेलकम टू नीट वोयाज। आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस। तो बेटा, आज इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आर जस्ट लाइक योर नॉर्मल क्लासेस, जैसे आप नॉर्मल कोचिंग जाते हो या आप नॉर्मल क्लासरूम में जाते हो। लाइव क्लासेस हैं, टीचर के साथ बेटर इंटरेक्शन है, लाइव पोल्स और एजुकेटर्स के साथ, जैसे क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछते थे ना, वैसे ही लाइव पोल में भी हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं जिसको आप आंसर कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, आपकी स्पीड और आपके करेक्ट आंसर पे बेस्ड, टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती है हर बार। ठीक है, ये चेक करता है कि आपको क्लास में कितना समझ आया। ठीक, अब क्लास में कितना समझ आया, दैट इज वन थिंग। बाद में पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कितना समझ आता है और कितना रिटेन कर पाते हो, वो हम टेस्ट सीरीज में जज करते हैं। ठीक है, आप ये समझो ये एक ऐसा क्लास है जिसमें सब बच्चे पढ़ने बैठे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपका टीचर के साथ एकदम सिंसियर टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग। तो अगर आप 1 घंटा प्रॉपरली प्लस सब्सक्रिप्शन पे पढ़ते हो तो वो अनडिस्ट्रैक्टेड 1 आवर है ना। अ बेटर इंटरेक्शन जिसमें टेस्ट सीरीज में आपको पता चलेगा कि आपके कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, उसका एनालिसिस। अगर अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं गड़बड़ हो रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो कहाँ, तो दैट एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस के बाद हमें पता चल गया कहाँ प्रॉब्लम है, तो डाउट क्लियरिंग सेशंस एज सिंपल एज दैट। टॉपिक अच्छे से होगा तो चैप्टर अच्छे से होगा, चैप्टर अच्छा होगा तो फाइनल सब्जेक्ट सही, और सब्जेक्ट सही तो टिक, एक पार्ट कंप्लीट प्रिपरेशन का। सो बेस्ट ऑफ योर एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। इस पे आप इसको इंस्टॉल करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, उस पे जाओगे तो प्लस प्लस पे जाओगे यूजी नीट एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप गेट सब्सक्रिप्शन पे पहुंचते हो बेटा तो आपके पास ऑप्शन आते हैं। क्या ऑप्शन आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 12 मंथ्स वाला 12th क्लास के लिए है और 11 मंथ्स वाला, 24 मंथ्स वाला 11th क्लास के लिए। ठीक है, ये ड्यूरेशन का द प्राइस कम्स अराउंड दिस मच, जिसपे भी आप और 10% डिस्काउंट ले सकते हो बेटा, मोर 10% डिस्काउंट ऑन योर फाइनल अमाउंट बाय यूजिंग द कूपन कोड कोमल लाइफ। ठीक है, कोमल लाइव आप यूज करते हो कोड तो मुझे भी पता चलता है कितने बच्चे वहां सब्सक्रिप्शन के लिए आए आस्किंग फॉर माय कोर्स एंड टू स्टडी फ्रॉम मी। ठीक है, सो सी यू ऑन प्लस कोर्सेस। ये आपका टेलीग्राम का लिंक, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। चाहे आपके जो नीट वोयाज के टीचर्स जो स्पेशल क्लासेस भी ले रहे हैं ना ऐप पे, उसका भी नोटिफिकेशन आपको इसमें मिल जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट फुली इन्फॉर्म्ड, यू विल स्टे फुली इन्फॉर्म्ड इफ यू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। उसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो टू अन अकेडमी कोमल यादव डाउट्स। आप टेलीग्राम पे ऐप पे जब ये सर्च करोगे तो एक ओपन ग्रुप मिलता है जिसपे हम सारे डिस्कशंस कर रहे हैं फॉर रिलेटेड टू बॉटनी डाउट्स। ठीक है, तो आपको वन स्पॉट वन प्लेस दैट यू विल गेट एवरी थिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। हम नॉर्मल डिस्कशंस, गुड डिस्कशंस, हेल्दी ग्रुप वेयर आपको बीच बीच में क्वेश्चंस हैं, क्विजेज हैं, आपके पास बहुत सारे जैसे आप कह सकते हो PDFs ऑफ बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सो दिस इज वेयर वी मीट एंड वेन वेरी वी डिस्कस डाउट्स। बढ़िया, चलो लेट्स स्टार्ट विद जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। सिर्फ लास्ट पार्ट रह गया चैप्टर का, लेट्स डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स
स्पर्म्स मतलब सीड फॉर्मिंग प्लांट्स, ठीक है। चार पांच पांच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है हमारे पास, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ठीक है। एल्गी में और एंजियो में आर्किगोनिया नहीं है। आर्किगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट फ्लावर शेप्ड, ठीक है। ये सिर्फ ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में मिलता है। तो नॉन आर्किगोनियट है कौन? एंजियोस्पर्म्स, यहाँ आर्किगोनिया का प्रेजेंस खत्म हो गया। स्पर्मेटोफाइट्स है मतलब सीड बनाते हैं, फिनेरोगैम्स है दैट मींस दे हैव शोई सेक्स ऑर्गन्स, शोई सेक्स ऑर्गन्स जैसे फ्लावर मिल रहे हैं, है ना। जाइलम में हमारे पास ट्रेकीज वेसल्स पहली बार एंजियोस्पर्म्स में है, लार्ज बड़ा बड़ा पाइप पानी कंडक्शन का। फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल से बना है। ये दोनों पॉइंट एनाटॉमी वाले चैप्टर से लिंक करेंगे आपको, दे आर गोइंग टू लिंक यू विद एनाटॉमी चैप्टर, ठीक है। दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स, अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, दीज आर द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल समझो बेटा, मैं आपको यहां ड्रॉ करके बता रही हूं पूरी लाइफ साइकिल, उसके बाद एक पूरा पिक्चर भी देख लेंगे, इट इज समथिंग लाइक दिस, वी कम बैक टू दिस। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पूरा समझते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने टिपिकल फ्लावर जब भी बनाया तो कैसा फ्लावर बनाया? बीच में गाइनोशियम, ठीक है, ये एक स्टेज पे प्रेजेंट है। इसका जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल, याद आया? पेडिसिल इज द स्टॉक और जिसपे प्लेस्ड है इसको बोला थैलेमस, ठीक। अब थैलेमस के ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर प्लेस्ड कैसे? ये केलेक्स, ठीक है, आउटर मोस्ट वॉल, ऐसे आपके एंड्रोशियम्स, इसको यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज कोरोला, पेटल्स जिसको बोलते हैं, है ना, यूनिट्स आर नोन एज पेटल्स। ये आया केलेक्स, जिसके यूनिट्स को हमने बोला केलेक्स, पूरा वॉल होता है बच्चे, एक एक सिंगल यूनिट कोरोला कहलाता, वो सेपल कहलाती है। ऐसे कोरोला पूरा वर्ल होता है, उसकी एक एक सिंगल यूनिट पेटल कहलाती है। ये स्टेमन, द मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। वहीं पर ये स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, इस पूरे को अगर मैं बोलती हूं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलके कहलाएगा कार्पल। पहले स्टेमन वाले साइड चलते हैं, कार्पल वाले, एंड देन वी विल कंबाइन द टू और टू एंड देन कम बैक हियर, ठीक है। चलो स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे, दिस इज कॉल्ड एंथर। और नीचे वाला जो ये स्टॉक हो गया, ये डंडी हो गई, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब हुआ क्या है ना, एवोल्यूशनरीली हमने एक पत्ते को मॉडिफाई कर दिया टू कैरी अ स्पोर, मेल स्पोर। अगर मैं एक पत्ते को मॉडिफाई कर रही हूं जो स्पोर कैरी करता है, तो उसे मैं बोलती हूँ स्पोरोफिल, स्पोर कैरी करने वाला लीफ, ठीक। स्पोरोफिल दैट कैरीज द स्पोर, लेकिन कौन सा स्पोर, मेल या फीमेल? मेल। तो ये कहलाएगा, द स्टेमन विल बी कॉल्ड एज माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर कैरिंग लीफ, ठीक। ये एंथर, एंथर का अगर आप सेक्शन कट करोगे ना बेटा, तो नीचे आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, ऐसा सा एक सेक्शन दिखाई देता है। उसमें बनती है चार तरफ कैविटी, ठीक। एक एंथर में दो लोब्स होते हैं ऐसे जुड़े हुए,
इसको कट किया तो अंदर चार कैविटी मिलती है जहां स्पोर बनेंगे। तो अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, और क्योंकि एक दो तीन चार कैविटी है तो टेट्रा स्पोरांजिएट। एक कैविटी को मैं बोलती हूं माइक्रो स्पोरांजियम। फ्लावर में एक मॉडिफाइड लीव कहलाई माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन, उसमें एक सेक्शन अंदर गड्ढा, उस कैविटी में बन रहे हैं हमारे पास स्पोर्स। कौन से स्पोर? मेल स्पोर, माइक्रोस्पोरांजियम इज द नेम ऑफ द कैविटी। इस माइक्रोस्पोरांजियम के अंदर रहता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन रहता है अंदर? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम इसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम अब से बोलेंगे पीएमसी, प्लॉइडी टू एन। तो यहां तक जितने स्ट्रक्चर होंगे सबकी प्लॉइडी डिप्लॉइड, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। A sporophyte is a diploid structure that carries the spores. बढ़िया हुआ। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस से मेरे पास बनते हैं चार माइक्रोस्पोर, चारों हैप्लॉइड बने। माइक्रो स्पोर सारे के सारे हैप्लोइड एक साथ। अब मान लो इसमें से ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं, ये सब अलग कर दिए गए, तो हम एक में डेवलपमेंट समझते हैं, लेकिन वो सब में रहे। ये एक माइक्रोस्पोर, इसमें होगा बेटा माइटोसिस। कैसा माइटोसिस? ऐसा माइटोसिस कि एक लार्ज सेल बन गया और एक छोटा सेल बन गया, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। इस पे डिपॉजिट हो गया आउटर कवरिंग, दिस इज अ टू सेल्ड पोलन ग्रेन। प्लॉइडी हैप्लॉइड क्योंकि मियोसिस हो चुका है, ठीक है। ये बड़ा वाला सेल कहलाता है वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा वाला सेल कहलाता है जेनरेटिव सेल। स्मॉल है, साइटोप्लाज्म कम है, रिजर्व फूड मटेरियल कम। वेजिटेटिव सेल ज्यादा बड़ा है, ज्यादा उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल, तो मतलब ज्यादा ध्यान रखने वाला काम कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल। इस जेनरेटिव सेल में एक और माइटोसिस होता है, अनदर माइटोसिस, और मेरे पास एक पोलन बनता है जिसमें एक लार्ज इरेग्युलर साइज न्यूक्लियस और दो छोटे मेल गेमिट्स। सो ये जो दो जेनरेटिव सेल हैं, इन्हीं को अब से मैं बोलूंगी मेल गेमिट्स। ठीक है, ये मेरा थ्री सेल्ड पोलन, एकदम फुल फ्लेश्ड मैच्योर मेल गेमिटोफाइट। एक माइक्रोस्पोर में पहला माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस जेनरेटिव सेल में, आई गेट अ थ्री सेल्ड पोलन जिसमें दो मेल गेमीट हैं, एक वेजिटेटिव सेल है, और ये एक मैच्योर मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज अ मैच्योर मेल गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट क्यों बोला? एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर जिसमें मेल गेमिट्स हो, दैट कैरीज द मेल गेमिट्स, ठीक है। सो अ मैच्योर मेल गेमिटोफाइट इज थ्री सेल जिसमें दो जेनरेटिव एक वेजिटेटिव। बढ़िया, इसको यही छोड़ते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। फीमेल स्ट्रक्चर मेरे पास था कार्पल। कार्पल हियर इज नोन एज मेगा स्पोरो
एक मॉडिफाइड लीफ जो मेगास्पोर बनाएगी और मेगास्पोर कैरी करेगी। इसमें आप आ रहे हो बेटा ओवरी पे, है ना। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज ओव्यूल। ये ऐसा ओव्यूल है, ठीक है। ये जो बाहर कवरिंग है इसको हमने बोला इंटेग्यूमेंट। जिम्नोस्पर्म्स में याद हो तो ये था, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? अंदर के पूरे मास को। इस पूरे मास को हम बोलते हैं न्यूसेलस। एक ओपनिंग बनती है कहलाती है माइक्रोपाइल, ऑपोजिट एंड जलाजल एंड। ओव्यूल का स्ट्रक्चर इनवर्टेड ओव्यूल है, घूमा हुआ है। लास्ट वाली क्लास से कंपेयर करो जिम्नोस्पर्म्स वाली क्लास से, है ना। अब यहां पर एक सेल बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉयडी बोलो, मेगास्पोर मदर सेल 2N अंडरगोज मियोसिस। बना दिए चार मेगास्पोर बनाए। अब ध्यान देना इधर, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड ओव्यूल का। यहां चार बन गए, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल, तीन जो माइक्रोपाइल की तरफ है ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ये फंक्शनल रह जाए। उल्टा हुआ है जो जिम्नोस्पर्म्स में हुआ था, उससे उल्टी कहानी, ठीक है। चलाजल एंड वाला फंक्शनल रह गया, बाकी तीन जो नीचे माइक्रोपाइल की तरफ थे वो डीजेनरेट हो गए। इसमें हुआ माइटोसिस, दो न्यूक्लियस। पहला माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। नो साइटोकाइनेसिस, ओनली द न्यूक्लियस डिवाइड्स। अगला एक और माइटोसिस, चार न्यूक्लियस का बन गया। एक और माइटोसिस, आठ न्यूक्लियस का बन गया। अब ये आठ न्यूक्लियस अरेंज हो जाएंगे इन अ वेरी टिपिकल सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक को अब मैं बोलने वाली हूं फीमेल गेमिटोफाइट। आई इसका एक बार स्ट्रक्चर का, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको मेल कर लो। लिखते टाइम फीमेल लिख दिया मैंने, लग रहा है दिस इज मेल। तो पोलन इज मेल ऑब्वियसली एंड एम्ब्रियो सैक इज फीमेल। अब स्ट्रक्चर देखो फीमेल का, ठीक है। चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, यहां पर तीन सेल्स, यहां पर भी तीन सेल्स, बीच में दो पोलर न्यूक्लियर। इधर बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ऊपर की तरफ थोड़े कम, ठीक है। लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। यहां बनते हैं तीन एंटीपोडल सेल्स जो डी जनरेट हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मेरे पास है एग फीमेल गेमिट। एग के साथ साथ दो सिनर्जिड हेल्पर सेल्स, ठीक है। सिनर्जिड के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये दिख रही है, समझो आप, बाद में लिख लेना चाहे दोबारा देख लेना वीडियो, कोई इशू नहीं है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और यहां पर पोलर न्यूक्लियाई। सेवन सेल्ड क्यों बोला, आठ न्यूक्लियस क्यों बोला? आठ न्यूक्लियस तो बने आपने देखा, तीन एंटीपोडल्स के, दो सिनर्जिड के, एक एग, दो पोलर न्यूक्लियर, आठ न्यूक्लियस। सेल्स कितने? तीन एंटीपोडल, दो सिनर्जिड, एक एग और एक सेंट्रल सेल, ये बीच में, ये
ठीक है। सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो फीमेल ओरिजिन के हैं। आप देखो फीमेल ने बनाए पोलर न्यूक्लियाई। इधर जितने सेल्स दिख रहे हैं एंटीपोडल सिनर्जिड्स पोलर न्यूक्लियाई एग सारे हैप्लोइड। दैट इज व्हाई इट इज अ गेमिटोफाइट। अ हैप्लोइड स्ट्रक्चर दैट विल कैरी द फीमेल गेमिट। सिंपल ठीक है। अब क्या हुआ एग तो यहाँ है ठीक है। ये मेरा मेल फीमेल गेमिटोफाइट ये पोलन गिरा आके इधर है ना स्टिग्मा पे गिरता है पोलन ट्यूब बनाता है नीचे तक जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूल में एंटर कर जाएगा। कौन मुला रहा है पोलन ट्यूब किधर की तरफ बन रही है। व्हेन द पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड आप जानते हो पोलन ट्यूब के बनाने को हम बोलते हैं बेटा साइफनोगेमी। जिम्नो में पहली बार दिखी थी हमें यहां भी दिखेगी। साइफनोगेमी से पोलन ट्यूब बनता है पोलन ट्यूब बना नीचे आया यहां आके बर्स्ट हो गया बूम बर्स्ट हुआ। एक सिनर्जिड के अंदर एंट्री मार जाता है। जब सिनर्जिड के अंदर एंट्री मारता है तो दो मेल गेमीट रिलीज करता है। देखो कितने मेल गेमीट है दो। टू मेल गेमीट्स आर रिलीज्ड इन द एम्ब्रियो सैक। तो ये मेल गेमीट्स अब मैं ब्लू कलर के इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ देखना किधर की तरफ ट्रैवल करेंगे। जब मेल गेमीट्स यहाँ आए वन मेल गेमीट फ्यूजेस विद द एग द अदर फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लिया। पोलर न्यूक्लियाई तो एन प्लस एन है और ये एन है। एग के साथ अगर मेल गेमीट फ्यूज होता है सो फीमेल गेमीट एंड मेल गेमीट फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट है कि नहीं। डिप्लॉइड हो गया सिनगेमी। इसी को तो सिनगेमी बोलते हैं हम। दिस इज नोन एज सिनगेमी। लेकिन एक फ्यूजन और होती है किसकी क्योंकि दो मेल गेमीट्स रिलीज हुए। हाउ मेनी मेल गेमीट्स आर रिलीज टू। तो एक तो एग के साथ फ्यूज करता है लेकिन उससे पहले बिफोर द मेल गेमीट कैन फ्यूज विद द फीमेल गेमीट एक मेल गेमीट जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ भी फ्यूज करता है। मेल गेमीट फ्यूज होने से पहले दो पोलर न्यूक्लियाई देखो समझो इस बात को दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे ये हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है बेटा डिप्लॉयड हो गया। इसके साथ मेल गेमीट फ्यूज कर गया ये बन जाता है PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि है ट्रिप्लॉइड। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बना था हैप्लोइड होता है। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है ट्रिप्लॉइड है। अब क्योंकि मेरे पास तीन न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। दो चीजें हुई ट्रिपल फ्यूजन हुआ और सिनगेमी हुई। ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगेमी टुगेदर इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या चीज सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म्स। यहां मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करते हैं सिनगेमी में पोलर न्यूक्लियाई और मेल गेमीट फ्यूज करता है यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्या नया हुआ जिसकी वजह से ये डबल फर्टिलाइजेशन नया हुआ ट्रिपल फ्यूजन। हमने पांच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स पढ़े पहले पांचों चारों के अंदर कोई ट्रिपल फ्यूजन नहीं हो रहा था
कोई ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म नहीं बन रहा था, यहाँ पहली बार बना, जिसकी वजह से दो फ्यूजन हुई, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं दोनों को, ट्रिपल फ्यूजन एज वेल एज डबल फर्टिलाइजेशन आर इवेंट्स एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये कहीं पे भी नहीं हुए थे। सुपर डुपर सिंपल। अब ध्यान से देखो, सिनगेमी में एन प्लस एन मेल गेमीट फीमेल गेमीट, टू एन प्लस एन ये मेल गेमीट मान लेते हैं, ये फीमेल गेमीट मान लेते हैं, ये मेल गेमीट और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कैसे बना, दो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके बना। टोटल कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए? पांच। दो पोलर न्यूक्लियाई, दो मेल गेमीट्स, एक फीमेल गेमीट। ठीक है, लेकिन टोटल गेमीट कितने यूज हुए? दो मेल गेमीट, एक फीमेल गेमीट। ठीक है, सो सच क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज्यादा, बस थोड़ा प्रोसेस से निकल के पूछते हैं। अब इसको लेके जाना पड़ेगा आगे, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो सीड में है। सीड अब मस्त एक नई चीज में आएगी, सीड इज प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट, ये भी आज तक नहीं आया था कहीं और, ये भी पहली बार एंजियोस्पर्म्स में बनता है। ठीक है, या और ये सीड जाके वापस से स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन कराने का और एंडोस्पर्म बनवाने का मेन रीजन इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव मटेरियल, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, बाकी कुछ भी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो इसको, दोबारा से एक छोटा सा ओवरव्यू में आ जाएगा, एंथर स्टेमन फिलामेंट। ठीक है, तो ये ओव्यूल बना, ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स, मेगास्पोर, मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक में सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियर एंटीपोडल्स, यहाँ पे मेल में एक मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, सारे माइक्रोस्पोर अलग हुए, पोलन ग्रेन में एक ट्यूब न्यूक्लियस, एक वेजिटेटिव, ट्यूब इज नथिंग बट वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा जेनरेटिव, इसमें दो मेल गेमीट्स बन गए, देखो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, अंदर आई फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन से मेरे पास ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनता है और जाइगोट बनता है, एंडोस्पर्म प्रॉपरली डेवलप, यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगा, ओव्यूल सीड बन जाएगा, ओवरी फ्रूट बन जाएगी और वापस पे आ जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां पे लिख देती हूं मैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सारे वर्ल्ड्स गिर जाते हैं, सब फूल वूल झड़ जाएगा सब कुछ, फ्रूट यू कैन से ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, ओवरी फॉर्म्स फ्रूट एंड ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड। ठीक है, एग फर्टिलाइज होके जाइगोट, पोलर न्यूक्लियाई पीईएन, एंडोस्पर्म अंदर बन गया, फर्टिलाइजेशन हुई, खाने के साथ साथ अंदर एक एम्ब्रियो भी पैक्ड। सीड आप जानते हो ह्यूज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आप खाना स्टोर ही इसलिए कर पा रहे हो कि सीड है, एग्रीकल्चर का पूरा फील्ड ही इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि सीड है, अगर सीड नहीं होगा सो वी माइट नॉट बी एबल टू हैव दैट वेल एग्रीकल्चर, है ना, स्टोरेज खत्म हमारा। ठीक है बेटा, दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये लाइफ साइकिल ज्यादातर डिप्लॉयड फेज में गुजारता है, ये पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक का ड्यूरेशन बहुत कम आया, इसलिए द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स ऑफ द लाइफ साइकिल, वी हैव डन दिस इन द फर्स्ट क्लास ऑफ प्लांट किंगडम, जब हमने टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी थी। तो अगर आपको कहीं भी किसी टर्म में कंफ्यूजन आ रहा है क्या क्या होता है, यू कैन रेफर द फर्स्ट क्लास ऑफ प्लांट किंगडम दैट वी हैव। ओके, एंड दिस इज इट फॉर टुडे, बहुत ही सिंपल।
एक चीज और, इस पार्ट में प्लांट किंगडम से क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, बिकॉज इन 12th क्लास ये पूरा फुल डिटेल्स में है. सो इफ यू आर इन 11th क्लास यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि 12th में ये प्रॉपर पूरा एक चैप्टर बन के लौटेगा. ठीक है, सो वहां पे हम एक एक चीज को फुल डिटेल में पढ़ेंगे. एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इट इन दैट मच डिटेल, वी ऑल्सो हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासेस, वो भी मिल जाएंगे आपको चैनल पे. सो सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन गेट ऑल द वीडियोस देयर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के वीडियोस देख लो कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन आ रहा है. बट इफ यू आर इन 11th हैव पेशेंस, इफ यू आर इन 12th तो आपको पता है मैं क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना. All right, so this brings us to the end of the session. Download Unacademy Learning app, usse jao plus pe jao UG Neet pe. And get subscription if you like the way I teach. Aap coupon code laga sakte ho to get 10% off on your final subscription. And the code is Komal Live. Komal Live is the code jo aapke final subscription pe aapko off de dega. That is 12 months wala course for 12th class and 24 months wala course for 11th class. ठीक है, सो वी कैन सिट इन अ मोर एग्जाम ओरिएंटेड और क्लासरूम ओरिएंटेड सिस्टम एंड वी कैन लर्न थिंग्स बेटर. ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट पीपल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गेट द पीडीएफ अपलोडेड. थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, सेम प्लेस, नीट वोयाज एवरी डे एट 4 एंड 1 एंड 6 पी. राइट, बाय, टेक केयर.